हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडेज टॉपिक इज फियर लेसन 102 एंड टॉपिक नेम इज़ प्रैक्टिस टाइम। ओके, सो प्रैक्टिस टाइम मतलब आप प्रैक्टिस ही करोगे, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, सो फर्स्ट यू आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल, कार डिटेल टेबल। दिस इज अ कार डिटेल टेबल विच यू आर गोइंग टू मेक इन एम एस वर्ड या मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट जिसे बोलते हैं हम, उस पर आप लोग बनाने जा रहे हो। तो टेबल आप जो है इंसर्ट पर जाएंगे, टेबल का एक सेक्शन होगा, उस टेबल में जाके ये क्रिएट टेबल बनाएंगे। टेबल बना के सब डिटेल को फिल करेंगे, ओके, और आप अच्छे से इसको एडिटिंग करके अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। देन यू आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स देयर, देन यू आर गोइंग टू ओपन एवरीबॉडी आफ्टर डूइंग दिस। मतलब कि तुरंत नहीं हो जाएगा, 20 मिनट आपको करना ही होगा। उसके बाद जो है SRB में हम आएंगे, SRB में पार्ट बी, आप पेयर के साथ टाइपिंग करेंगे। फर्स्ट जैसे में लिखा है ऑड नंबर एंड इवन नंबर, तो 1, 3, 5 आप करोगे, 2, 4, 6 जो है आपके पार्टनर। इस तरीके से टाइपिंग करना है, पूरा टाइपिंग करेंगे आप लोग। टाइपिंग करने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग टाइपिंग पार्ट यू आर गोइंग टू रीड द स्टोरी, ठीक है। टाइपिंग प्रैक्टिस करोगे और अपने आप को देखोगे क्या आपका इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं। और जो ज़्यादा, हाँ एक चीज़ और, जो पेयर सबसे पहले 27 कंप्लीट करेगा वो विनर होगा, ध्यान दीजिएगा। आपके पेयर को सबसे पहले करना है तभी आप विनर होगे दोस्तों, ठीक है। सो आई होप दिस थिंग यू कैन डू इट। नेक्स्ट क्या करना है आप लोग को, यू आर गोइंग टू रीड वन स्टोरी, ओके। सो दिस स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ वन गर्ल, द गर्ल नेम इज लक्ष्मी। लक्ष्मी के ऊपर जो है ये पूरा स्टोरी है। उन्होंने जो है कैसे जो है वाटर ATM बनाया और गांव में अपने, और पहले उनके गांव में जो है प्रॉब्लम था कि क्लीन वाटर नहीं मिलता था, तो उन्होंने वाटर ATM बनाया, मतलब कि वो जो क्लीन वाटर कर सकें, उन्होंने ऐसा कुछ इन्वेंशन किया जिसे हम लोग बोलते हैं इन्वेंशन, है ना। सो ये आप ऐसे भी पार्ट सी को पढ़ोगे, ओके। एंड ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हैव यू एवर हर्ड सोशल इन्वेंशन। सोशल इन्वेंशन मतलब जो समाज में की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कोई कर ले एक तरीके से, ये क्या है सोशल इन्वेंशन, जो कोई ना सॉल्व कर पाया हो उसे सॉल्व कर दे, सोशल इन्वेंशन। तो आप पढ़ोगे और अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। आफ्टर डूइंग दिस एवरीबॉडी रीड स्टोरी, आफ्टर रीडिंग स्टोरी देन ही इज गोइंग टू मेक इन द ग्रुप। आपको ग्रुप में बैठाया जाएगा, 2-3-4 लोगों का ग्रुप बनेगा। देन आपको जो है डिस्कस करने के लिए बोला जाएगा, दो क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज लक्ष्मी डिमॉन्स्ट्रेट मेड हर सक्सेसफुल, व्हाट क्वालिटीज डिड लक्ष्मी डिमॉन्स्ट्रेट दैट बिकम सक्सेसफुल, उन्होंने किस क्वालिटीज को डिमॉन्स्ट्रेट किया सक्सेसफुल बनने के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट रोल डू यू थिंक यंग पीपल लाइक लक्ष्मी कैन प्ले मेकिंग द पॉजिटिव चेंजेस इन देयर कम्युनिटी। तब अब जो है दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या रोल जो है उन्होंने पेश किया है, और जो यंगस्टर हैं वहाँ के जो यंग लोग हैं, तो आप बोल सकते हो और रोल जो है अच्छा ही होगा, अगर आप अच्छा करोगे तो वहाँ पर आप यंग ये जो वहाँ के यूथ हैं वहाँ के लिए तो अच्छा ही होगा, वो लोग भी उससे प्रेरित होंगे और वो लोग भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देन एवरीबॉडी व्हाट यू हैव टू डू इट देयर, योर फैसिलिटी इज गोइंग टू से दैट लेट्स ब्रेन स्टॉर्म। आपको ब्रेन स्टॉर्म करना है 20 मिनट ब्रेन स्टॉर्म करना है, लाइक कि आइडेंटिफाई करना कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपके कम्युनिटी में है, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, और उसका सोल्यूशन आपको ले आना है क्रिएटिव वे में तरीका, और सबके सामने बताना है क्लास के साथ, ठीक है। ये चीज़ें करने के बाद दोस्तों अब जो हैज़ पे प्रैक्टिस कराया जाएगा आपको, ग्रामर प्रैक्टिस। तो हैज़ पे प्रैक्टिस आप लोग कर पाओगे, ठीक है। कैसे करोगे हैज़ पे प्रैक्टिस, लाइक कि अगर ही के साथ ही सी इट जहाँ रहेगा उसके साथ क्या लगाओगे, हैज़ ही सी इट, ऑल द नेम के साथ हैज़ लगाओगे, और दे आई वी यू के साथ क्या लगाओगे, हैव लगा दोगे, ठीक है। जैसे एक है, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, सी थोड़ा नॉइज है यहाँ पर, थोड़ा सा इस वजह से मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ। सी डैश ए न्यू कार, यहाँ क्या बोलोगे आप, सी हैज ए न्यू कार, दे हैव, इस तरीके से आपको लगेगा दे हैव, आई हैव, ही हैज़, द डॉग हैज़, इस तरीके से आप वहाँ पर सॉल्व करोगे, ठीक है। तो हैज़ हैव को इस तरीके से करोगे, यही चीज़ें हैं, ठीक है। हैज़ हैव और सोशल इन्वेंशन, टाइपिंग, डियर एक्टिविटी पढ़ोगे और एम एस वर्ड पर काम करोगे, ये टॉपिक में आप प्रैक्टिस करके ये टॉपिक आपको खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू।